विद्यालय में संस्कृत हिंदी में प्रार्थना की। केंद्रीय विद्यालयों के सभी छात्रों के लिए कथित रूप से हिंदू धर्म पर आधारित प्रार्थना अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तम न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एफआर निर्मल और न्यायमूर्ति नवीन तिना की पीठ के मध्य प्रदेश निवासी विनायक साहा की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि देश भर के सभी विद्यालय में कालीन सभा में प्रार्थना लागू की जा रही है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय और नास्तिक वर्ग के बच्चे तथा उनके अभिभावक इसे लागू करने को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित पाते हैं। तो वहीं साहा ने यह भी तर्क दिया कि सभी के लिए एक प्रार्थना संविधान के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक निषेध है, इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार व केंद्रीय विद्यालय संगठनों से पूछा कि स्कूल में सर्वधर्म प्रार्थना क्यों नहीं कराई जाती, हिंदी संस्कृति में प्रार्थना क्यों कराई जा रही है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। ये थी SN News की रिपोर्ट।